myself challenging actions can be done. Like a student of all as a second year. सर हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है, जैसे कि इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही है बहुत ज़्यादा, उनसे वेस्ट वाटर आ रहा है बाहर, कलर्ड वाटर, वेस्ट वाटर, केमिकल्स वाटर, उसको प्योरीफाई करने के लिए हमने एक इकोनॉमिकल प्लान बनाया जो कि इंडिया में इसलिए अवेलेबल है। इंडिया में हर ईयर मिलियंस ऑफ टन राइस प्रोड्यूस होता है और एक राइस रिच कंट्री है, तो हमने राइस हस्क का यूज़ करके एक प्लांट बनाया है जिससे कि वाटर हम प्योरीफाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने राइस हस्क यूज़ किया है जो कि मड इम्प्योरिटीज, पानी की जो मड इम्प्योरिटीज होती है उसको प्योरीफाई करेगा। नेक्स्ट टाइम हमने टर्मिडिटी को रिमूव करने के लिए पाउडर राइस यूज किया है, हमने राइस हस्क ऐश यूज़ किया है जो पानी में से बैक्टीरियाज रिमूव करती है जबकि इसका हाई पोर स्ट्रक्चर होता है एब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर ऑरेंज हस्क यूज़ किया, ऑरेंज हस्क ऑयल इम्प्योरिटीज और एसिडिक डाइज जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आती है उसको प्योरीफाई करके प्योर वाटर देता है। उसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल जो ओल्डर वाटर स्मेल आती है, जो वाटर में स्मेल है उसको रिमूव करके प्योर वाटर दे रहा है। तो हमने एक प्लांट बना रही है वाटर को प्योरीफाई करने। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज में जो सामान जो हम बनाते हैं उसको बनाते टाइम जो बाय प्रोडक्ट होता है उसके साथ साथ वेस्ट वाटर निकलता है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए एक प्लांट बनाया है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कहाँ कहाँ से आता है? ऑर्गेनिक केमिकल जहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ से बहुत सारा वेस्ट वाटर आता है। फूड इंडस्ट्री से आता है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री से, न्यूक्लियर इंडस्ट्री से, उसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनिंग होते हैं जो केमिकल्स निकलते हैं वो सारे पानी में आते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज पल्प में जो वेस्ट आता है, टेक्सटाइल जो कपड़ों में डाई करते हैं कलर्ड वाटर बाहर आता है सारा निकल के। वो हमने इसकी ट्रीटमेंट की है, हमने सॉलिड रिमूव करने की कोशिश की है राइस हस्क यूज़ करके, उसके बाद ऑयल और ग्रीस ऑरेंज हस्क से रिमूव किए गए हैं और बाकी ऑर्गेनिक्स जो हमने ऑरेंज हस्क और एक्टिवेटेड चारकोल एसिड और एल्कलीज को राइस हस्क ऐश और ये चारकोल रिमूव करेगा और टॉक्सिक मटेरियल चारकोल को एब्जॉर्ब करके प्योर करेगा वाटर। उसके बाद राइस हस्क की कंपोजिशन है 120 मिलियन टन, 1/5 ऑफ टोटल एनुअल राइस इंडिया में प्रोड्यूस होता है, जिसमें कि ये कंपोजिशन होते हैं 32% सेलुलोज, 21% हैमी सेलुलोज, 21% लिग्निन, 20% सिलिका, 3% क्रूड प्रोटीन। प्रिपरेशन हमने राइस इसको प्रिपेयर किया एक दिन के लिए 370 केल्विन पे ओवन में रख दिया उसको फॉर 24 आवर्स और हमें ड्राई और प्योर राइस हस्क मिला। फिर उसको डिस्टिल्ड वाटर से साफ़ किया और दोबारा 343 केल्विन पे 24 आवर्स के लिए रख दिया और वो राइस हस्क हमें ड्राई राइस हस्क प्योर राइस हस्क मिल गया। राइस हस्क एक एग्रीकल्चर रेजिड्यू होता है, 580 मिलियन टन्स हमें एनुअली मिलता है, ईजिली अवेलेबल होता है और इसका हमने यूज़ किया है। राइस हस्क बहुत कम यूज़ किया जाता है, इसको एज ए वेस्ट डाल दिया जाता है, लेकिन अगर हम इसका रीयूज़ करें ये इनएक्सपेंसिव भी है और इकोनॉमिकल भी है, तो हम पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। ये इसके और भी यूज़ है, इसको फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, एज अ बिल्डिंग मटेरियल जो राइस हस्क ऐश होती है उसमें सिलिका पाया जाता है 80% to 90%, तो इसलिए उसको सीमेंट के साथ मिक्स करके आजकल यूज़ किया जा रहा है एज और प्योर सिलिका। इसमें प्योर सिलिका पाया जाता है 60% to 70% राइस में हस्क में और उसकी ऐश में 90% to 80%। एज ए कैटल फीड भी यूज़ करते हैं, इसको ग्राइंड करके पाउडर। उसके बाद ऑरेंज पील के बारे में है, ऑरेंज पील्स होते हैं उनको ड्राई करके 373 कैल्विन 24 आवर्स के लिए ऑरेंज पील बनाया जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में लेके हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसमें जो ये ऑयल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो एसिडिक डाइज यूज़ करती है लो पीएच की, तो उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और रिमूव कर देता है पानी का सारा कलर, नीचे प्योर वाटर आता है। उसके बाद राइस हस्क ऐश, राइस हस्क ऐश एक बाय प्रोडक्ट होता है जो राइस हस्क को बर्न करके प्रोड्यूस होता है। राइस हस्क को फ्लोराइड रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है हैवी मेटल्स के लिए और सिल्क को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करके हमें प्योरीफाई वाटर मिलता है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। और